टुडे वी विल डिस्कस रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यू विल फाइंड सम एनिमल्स, दे आर ओनली फाउंड इन वन लैंड, नोवेयर एल्स इन द होल यूनिवर्स, है कि नहीं? तो ये ऐसा क्यों होता है? तो उसके दो कारण हैं कि जब वो उधर आए तो वहां उनको बहुत फेवरेबल कंडीशंस मिल गया एंड अडेप्ट करके सक्सीड किए। दूसरा, कोई सक्सेसर नहीं आया, समझ रहे हो, उससे कोई स्ट्रॉन्गर स्पीशीज नहीं आया, तो क्या हुआ, दे वर नॉट रिप्लेस्ड। सपोज अब मार्सुपियल्स हैं, तो अगर ट्रू मैमल्स आ जाएंगे तो ट्रू मैमल्स आर मोर अडेप्टेबल देन मार्सुपियल्स, तो धीरे धीरे क्या होंगे, मार्सुपियल्स विलुप्त हो जाएंगे। बट वाई इन ऑस्ट्रेलिया यू आर ओनली फाइंडिंग मार्सुपियल्स? ऑस्ट्रेलिया इज ए ब्यूटिफुल लैंड, बहुत सारे यूनिक चीज वहीं मिलते हैं, प्रोटोथेरियंस, ओके, तो प्रोटोथेरियंस अकेला वहीं मिलते हैं। प्रोटोथेरियंस क्या है, एग लेइंग मैमल्स, है कि नहीं? चलिए, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे एंड हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे। चलिए, सो इन केस ऑफ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन टुडे वी आर डिस्कसिंग कैपिटल ए इज बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस, है कि नहीं? तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड इन बायोजियोग्राफिकल एविडेंस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नुअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, है कि नहीं? तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो टुडे वी विल डिस्कस नंबर टू इज व्हाट, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन ए यूनिक लोकेशन ऑन अर्थ एंड दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ नेचुरली। अब तुम लेके जू में रख देते हो वो अलग बात है, आप बोलोगे नहीं सर हमें जू में रखी चू, अरे जू वाला नेचुरल एनिमल नहीं होता है, ओके, सो दैट इज व्हाई जू एनिमल इज नॉट नेचुरल एनिमल, ठीक है? तो इसीलिए जू एनिमल जो है वो नेचुरल एनिमल नहीं होता है। तो नेचुरल एनिमल कौन सा होता है, जो वहीं आया था, ओके, सो लाइक दैट। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि टैली भी करेगा तो हम लोग लिख लेंगे, ओके, तो उसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, चलिए बताइए फटाफट। लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज ओनली फाउंड इन क्या, अफ्रीका, ओके, ऑस्ट्रिच आपको ओनली अफ्रीका में मिलेगा। उसी तरह रिया इज ओनली ओके फाउंड इन वेयर, बोलिए, साउथ अमेरिका, तो रिया इज ओनली फाउंड इन अमेरिका। तापरे जो आपका एमू, एमू इज ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं, इन ऑस्ट्रेलिया, एमू जो है वो आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ओके, उसी तरह कीवी इज ओके इज ओनली फाउंड इन न्यूजीलैंड। उसी तरह पेंग्यून इज ओनली फाउंड इन का एंटार्क्टिका। सुनिए, जो एंटार्क्टिका है सिमिलर कंडीशंस आर्कटिक में भी है, तो वहां क्यों पेंगुइन नहीं मिलता, है कि नहीं? तो इट इज ओनली फाउंड इन एंटार्क्टिका। उसी तरह
पोलर बेयर, या जो आप हम लोग उसको आर्कटिक फॉक्स बोलेंगे, आर्कटिक फॉक्स इज ओनली फाउंड इन आर्कटिक ओशन, आर्कटिक। ओके, तो इसी तरह से ये आपका हो जाएगा। नाउ डबल कोकोनट, डबल कोकोनट जानते हो, तो डबल कोकोनट, ओके, उसको हम लोग सेक्सी नट भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए गर्ल्स हिप्स। अगर पीछे से देखोगे, अगर एक आदमी उसको उठा के जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि लड़की को उठा के जा रहा है, इसलिए उसको सेक्सी नट बोला जाता है, या लार्जेस्ट। ओके, लार्जेस्ट नट। ओके, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट नट। ठीक है जी। नाउ तो मैं आपको दिखा रहा हूं उसका एविडेंसेस में, तो एविडेंसेस का फिगर में आई विल शो यू द फोटोग्राफ। एंड उसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कोकोनट में एक नट होता है ना, एक फल, उसी तरह उसमें वो दो दो होगा। एंड इट इज बैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग, मीन्स यू कैनॉट टेक इट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो इसलिए डबल कोकोनट इज only found in Seychelles islands, और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो दुनिया में सेशेल आइलैंड के अलावा डबल कोकोनट और कहीं नहीं मिलता। उसी तरह lemurs are only found in Madagascar। ठीक है, उसी तरह egg laying, ओके, एग लेइंग एनिमल्स या मैमल्स आर ओनली फाउंड इन क्या, तो एग लेइंग मैमल्स आर ओनली फाउंड इन वेयर, बोलो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दुनिया में ये और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, चलिए तो आपको उसका एक फोटो दिखाया जाए। ये देखिए, ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस न्यू सॉफ्टवेयर, सो वी कैन पेस्ट द फोटोग्राफ्स। ऐसा नहीं लग रहा ये लड़का किसी लड़की को उठा के भाग रहा है, बताइए Samia, don't you feel like that this boy is running with somebody? देख रहे हो? So this is called the double nut. अब देखिए ये कितना बड़ा है, मैंने एक उसका आधा बॉडी से बड़ा है उसका ये। Okay? So this is the what? This is called cocodemur, या sexy nut. चलिए, तो ये हमारा, हाँ बोलो सर, आप अगर इस ऐप को अपडेट कर लेंगे विंडोज 10 के लिए तो फिर और बेहतर हो जाएगा। वो है, बट एक्चुअली आई डोंट हैव विंडोज 10, तो वही प्रॉब्लम है। तो एंड मैंने उसको अपलोड किया था बट वो बहुत गड़बड़ किया, तो आई एम रनिंग इट विद दिस। एंड विंडोज 10 क्या ना, इट कंज्यूम्स मोर स्पेस ऑल्सो, तो फिर मैंने कहा चलो चला देते हैं। देखो हम लोग का काम चलना चाहिए, बच्चों को फायदा मिलना चाहिए बस, तो और ज्यादा स्मार्ट होके क्या फायदा है कि नहीं? चलिए, बट आई नो यू आर राइट, बट एक्चुअली उसके लिए मुझे विंडोज 10 डलवाना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर में, एंड विंडोज 10 बहुत ज्यादा डाटा कंज्यूमिंग है, मैंने उसका अपना है, उसको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए। yes, चलिए, सो ये हमारा हो गया क्या, सो दिस इज आवर बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। अब चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डिस्कसेस माने एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। ओके, अगर हम लोग कंपेयर करें तो दैट इज द कंसेप्ट। तो बी, दिस इज एविडेंसेस फ्रॉम कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी।
एक्चुअली यू कैन टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग इसको यूज करते हो, ये तो मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग अगर इसको यूज किए हो तो यू कैन ऑल्सो हेल्प मी टू लर्न इट, है कि नहीं? सर आप नीचे करके एक बॉक्स बना देते, उसे ड्रैग करके ऊपर ले आते तो फिर साइज बेहतर होता। ओके, हाँ मैं समझ गया। चलिए, सो दिस इज अबाउट कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ओके, तो द एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसका पहला पॉइंट है होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, होमोलोगस ऑर्गन्स। नाउ व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, बताइए। तो होमोलोगस ऑर्गन्स सेम सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शंस। यस, डिफरेंट और सेम, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो सेम ओरिजिन, ओके, एंड फंक्शंस डिफरेंट और सेम। सो दीज आर ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट ओके, दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट क्या, बट हैव ए कॉमन ऑरिजिन। ओके, फंक्शन में भी डिफरेंट, ओके, मे बी डिफरेंट और सिमिलर। ठीक है, तो फंक्शन मे बी डिफरेंट और सिमिलर, तो उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बताइए? तो एग्जाम्पल नंबर ए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, विंग्स ऑफ, बोलिए, विंग्स ऑफ बर्ड्स, तापरे फोर लेग्स ऑफ हॉर्स, ओके, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड व्हेल, एंड हैंड ऑफ प्राइमेट्स आर ऑल व्हाट, होमोलोगस। क्यों बोलिए, ऐसा क्यों है? सभी फोर लिम्स हैं लेकिन फंक्शन सभी में डिफरेंट है। यस, तो इसलिए सभी फोर लिम्स है का मतलब क्या है, हाउ टू जस्टिफाई? उनका बोन का स्ट्रक्चर सिमिलर है और अरेंजमेंट भी, ऑल जो है उसमें, ऑल ऑफ देम विल हैव सिमिलर बोन्स। ओके, नहीं, जैसे रेडियस होगा, अल्नस होगा, ह्यूमरस होगा, है कि नहीं? तो सबका जो बोन्स है वो सिमिलर होगा। तो अगर मैं आपको उस फोटोग्राफ को दिखाऊं, सो नाउ इफ यू सी दिस फोटोग्राफ, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्नस है, सी स्टैंड्स फॉर कार्पल्स, एम स्टैंड्स फॉर मेटाकार्पल्स, एंड ये है फेलेंजेस। ठीक है, आप देखिए, चाहे वो इक्थियोसॉर हो, पॉर्पोइज हो, बर्ड्स हो, बैट्स हो, टेरोडैक्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स हो, ओके, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स हो, पॉज ऑफ मोल हो, या हैंड ऑफ मैन हो, सब में सारे बोन्स हैं। देख रहे हो, एवरीवेयर यू फाइंड ऑल द सेम बोन्स, ओके, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। ओके, हॉर्स यूजेस द लेग फॉर रनिंग, मोल यूजेस फॉर डिगिंग, ह्यूमन यूजेस हैंड फॉर वेरियस पर्पजेस, bats and birds and reptiles uses their bat ka kya hota hai,
बोलिए, तो बैट के विंग को हम लोग, ये बर्ड्स का विंग है, तो बैट का विंग को हम लोग कहते हैं पैटाजियम, समझ रहे हो? एंड टेरोडैक्टाइल जो होता है, टेरोडैक्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, तो रेप्टाइल्स का टेरोडैक्टाइल होगा, ओके, बर्ड्स का पैटाजियम होगा, तो ये सब क्या करते हैं, दैट बेसिकली यूज फॉर फ्लाई, ठीक है जी। सो ये हमारा कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का एक एग्जांपल हो गया। चलिए, तो उसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग लेंगे। प्लांट्स में आप बता सकते हो कुछ एग्जांपल? बताइए। स्पाइंस ऑफ कैक्टस है कि नहीं, कॉमा लीव्स ऑफ प्लांट्स, कॉमा पिक्चर ऑफ क्या, पिक्चर प्लांट, ओके, आर व्हाट, ऑल मॉडिफाइड लीव्स, समझ रहे हो कि नहीं, तो सब आपका मॉडिफाइड लीव्स। अरे पानी बोतल लेट के निकला, तो समझ में आया, तो दैट इज द कंसेप्ट, ओके, तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल मॉडिफाइड लीव्स। उसी तरह से होला, तो इसी तरह से आप और भी बता सकते हो, क्या बोलिए, और क्या क्या आ जाएगा इसमें, बोलिए, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ठीक है, तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो कॉमा पोटैटो कॉमा बल्ब ऑफ ओनियन, ओके, तो बल्ब ऑफ ओनियन, और क्या बोलिए, फाइलोक्लेड ऑफ क्या, कैक्टस, ठीक है जी, तो पोटैटो और ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ओनियन, फाइलोक्लेड ऑफ कैक्टस, थॉर्न, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया आर ऑल व्हाट, मॉडिफाइड स्टेम्स, ठीक है जी, तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब, इज इट ऑडिबल टू यू सर? यस सर। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, बट ट्यूबर स्टोरेज के लिए होता है, फाइलोक्लेड आपका फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसी तरह आप टेंड्रिल भी लिख सकते हो, ओके, तो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया कॉमा टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, है कि नहीं, तो ये कुकुरबिटा क्या करेगा, ये क्लाइंबर है, तो ये क्लाइंब करने में मदद करेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, देयर ऑल एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, हाँ बोलो, कुछ और पूछना है? चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट, तो ये हमारा है होमोलोगस ऑर्गन्स। तापरे सेकेंड जो कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, दैट इज व्हाट, द सेकेंड टॉपिक इज एनालोगस ऑर्गन्स, ओके, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है, तो एनालोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या है, इनका ओरिजिन कुछ मर्जी हो बट फंक्शन सेम है, ओके, तो लाइक दैट, तो एनालोगस ऑर्गन्स, तो दीज आर ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन,
ओके विच हैव डिफरेंट ओरिजिन बट ओके बट हैव ए कॉमन फंक्शन. क्यों वाई हैव ए कॉमन फंक्शन. This is because environmental pressure. This is because environmental pressure. They have common adaptations. समझ रहे हो? Because they have common adaptations. इनको adaptations common है. Okay? So this is the concept. तो इसमें example हमारे आ जाएंगे. ओके तो दिस इज बिकॉज दे हैव कॉमन एडेप्टेशंस. एग्जांपल है नंबर ए. तो क्या एग्जांपल बोलेंगे बताइए. तो विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. ओके विंग्स इन बटरफ्लाई. तापरे क्या आ जाएगा. पेक्टोरल फिन. पेक्टोरल फिन्स in flying fish. Okay. Tapare uske baad kya jayega. Pterodactyl in reptiles. Uske baad kya ho jayega. To pterodactyl in reptiles and patagium of bats and what wings of birds. तो ये जो wings है butterfly का इसको हम लोग कहते हैं chitinous. Okay chitinous wings of butterfly. Pectoral fins pectoral fins of flying fish. Pterodactyl in reptiles. Patagium of bats and wings of birds are all modified to help the organism fly. Okay, so these are all organs of flight. ठीक है. तो these are all organs of flight. Similarly, आप लिख सकते हो leaves of plants and क्या leaves of plants and phylloclade of cactus. तो जो phylloclade of cactus है वो क्या है. तो the leaves of plants and phylloclade of cactus are both photosynthetic organs of the plants. But phylloclade is actually a stem. तो समझ रहे हो. तो phylloclade एक stem. तो समझ में आया. हाँ बोलो सर. कौन सा रेप्टाइल को फ्लाई करने के लिए रेप्टाइल हेल्प करता है. क्यों आपका जो जो आप लोग डायनासोर देखे नहीं हो क्या. वो जो बर्ड केज में बर्बाद कर दिया हमारा इरफान खान को मार दिया. तो डायनासोर्स. तो डिड यू नॉट सी दैट फिल्म. जुरासिक वर्ल्ड. यस जुरासिक वर्ल्ड में वो कितना बर्ड्स उड़ रहे होते हैं. तो इसलिए रेप्टाइल का जो रेप्टाइल का जो विंग्स है उसको टेरोडैक्टाइल बोला जाता है. उसको विंग्स नहीं बोलते हैं. इट इज कॉल्ड टेरोडैक्टाइल. Okay. मतलब वो मोस्टली एंशिएंट है. ऑब्वियसली एंशिएंट है उसमें. बिकॉज़ अभी क्या है वी डोंट हैव. सर इनमें डिफरेंस क्या होता है. किसमें. पेरोडैक्टाइल और सिंपल विंग्स में. अरे टेरोडैक्टाइल जो है वो आपका क्या है. तो इन टेरोडैक्टाइल उसमें आपका जो क्लॉज है वो तो मैंने दिखाया ना अभी. यू डिड नॉट सी. अब ये देखिए ये टेरोडैक्टाइल है. ये विंग्स है. ये पैटाजियम है. तो इसीलिए पैटाजियम में क्या होता है
उसमें जो डिजिट्स है उसके बीच में स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ओके। उसी तरह ये देखो, एक बहुत लंबा फोर्थ फिंगर सपोर्ट्स द फ्लाइट मेम्ब्रेन, देख रहे हो कि नहीं? तो इसमें एक उंगली पूरा फ्लाइट मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, ओके। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो एक जो है वो फ्लाइट को सपोर्ट करता है, सो दैट इज ए प्लस। इसमें फेदर्स नहीं होते हैं, इंस्टेड उसमें हेयर्स होता है, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका बेसिक पैटर्न सेम है, इसीलिए दे आर होमोलोगस, मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, इसलिए दे आर एनालोगस। प्लीज रिमेम्बर, अगर होमोलोगस एंड एनालोगस दोनों इकट्ठा हो तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए, होमो एनालोगस नहीं, तो देयर इज अ टर्म, उसको होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स बोलते हैं, ओके। समझ में नहीं आया। अगर कोई ऑर्गन जैसे आपका जो, अगर हम लोग इंसेक्ट का विंग को कंपेयर करेंगे विथ बर्ड, तो वो एनालोगस है, बट अगर टेरोडैक्टाइल ले लो, ये तीनों देख लो, ये दिख रहा है कि नहीं, बर्ड, बैट, टेरोडैक्टाइल, ऑलमोस्ट तीनों का फोर लिम मॉडिफिकेशन है, तो ये होमोलोगस भी हुआ ना, तो दिस इज ऑल्सो होमोलोगस, मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, ऑल्सो एनालोगस। तो इसलिए दीज ऑर्गन्स आर बोथ होमोलोगस as well as analogous, inka origin bhi same hai and inka function bhi same hai. To ab in organs ko hum kya bolenge? To homoplastic. To iske liye hum log ek naya term use karte hain, homoplastic organs. But homoplastic terminology aapke books mein nahi diya hai, okay? To isliye ab usme hum log ko either homo use karna padega या एना यूज करना पड़ेगा। तो अब होमो और एना में रीसेंट चेंज कौन सा है? बोलिए, एना के लिए होमो बना ना होमो के लिए एना बना? होमो के लिए, होमो के लिए एना। सोचिए सोचिए सोचिए, डिड यू चेंज फॉर ओरिजिन या डिड यू चेंज फॉर फंक्शन? फंक्शन, फॉर फंक्शन। ताहले तो क्या हो गया? Analogous. Okay. एक बार कालू टेस्ट में क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने लिखा था why it is analogous organ? Because it is given in 10th NCERT. समझ रहे हो? तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? Because it is given in 10th NCERT. Will you accept this explanation? Is NCERT a Bible? Can NCERT not be wrong? समझ रहे हो? तो एक्चुअली उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ओरिजिन तो पहले से ही था, मिससे नोटिके, तो ओरिजिन पहले से था, बट चेंज किस, कौन सा नया नया हुआ? दैट इज फॉर फ्लाइट, ओके। तो व्हाई डिड यू मेक विंग्स? बिकॉज बर्ड्स वांटेड टू फ्लाई, बैट वांटेड टू फ्लाई, एंड दीज रेप्टाइल्स दे ऑल्सो वांटेड टू फ्लाई। तो उन्होंने अपना फोर लिम को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया, एडेप्ट किया एंड उड़ना शुरू किया। इसीलिए सिंस एनालॉजी इज द मोस्ट रिसेंट चेंज, ओके, सिंस एनालॉजी इज द मोस्ट रिसेंट चेंज, हम क्या कहते हैं? हम उसको एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे। इफ बोथ होमो एंड एना हो, तो वी विल कॉल दीज ऑर्गन्स व्हाट? एनालोगस ऑर्गन्स। कोई शक? इसलिए आपको देखना है, और देखो, आप पहले स्टेम थे ना पहले ट्यूबर थे? बोलिए, पहले हम स्टेम थे, फिर स्टेम ने फूड स्टोर करने के लिए ट्यूबर बना। तो समझ में आया कि नहीं? पहले आप स्टेम थे ना फाइलोक्लेड थे? स्टेम थे, बट सिंस आपका जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो फिर स्टेम ने क्या डिसाइड किया? चलो हम कर लेते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट।
तो इसलिए एनालॉजी इज द रिसेंट चेंज. इसीलिए इफ यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन होमो एंड एना फॉर ऑर्गन्स विच आर बोथ होमो एंड एना, वी विल टेक देम एज एनालोगस ऑर्गन्स.